अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो बच्चों आज हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड फिफ्थ धोरण पाँच में लेसन नंबर वन का पार्ट टू। क्या है लेसन नंबर वन यानी चैप्टर वन का पार्ट टू। इस सबक में हमें क्या समझना है कि जो इंग्लिश जो वर्ड है उसे मैंने उर्दू में देखो सबके ऊपर लिख दिया है, यानी हमें उर्दू से अरबी लिखना। देखो मैंने हेडिंग में लिख दिया है उर्दू से अरबी लिखिए। तो देखो यहाँ से एक से लेकर पांच तक है, सबके ऊपर मैंने देखो उर्दू में लिख दिया है व्यापारी अब्बू ताजुन बहन रस्सी। फिर यहाँ पे सिक्स से लेकर टेन में भी मैंने ऊपर लिख दिया है उर्दू में कुआं शेर हमद तोहफा और सितारा है। समझ में? तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है उर्दू से अरबी में लिखना है। तो देखो अरबी लिखने के लिए यहाँ पे जगह छोड़ी हुई है, तो हमें यहाँ पे ये जो बॉक्स है खाली जगह उसमें हमें इन जो उर्दू के अल्फाज हैं उनका अरबी में मतलब लिखना है। तब हम सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो हेडिंग क्या है उर्दू से अरबी लिखिए। तो सबसे पहला जो अल्फाज है वो है व्यापारी। हमने देखो पीछे जो सबक पढ़ा है तो इसे अगर हम अच्छे से याद कर लेंगे तो हमें ये सबक को समझने में भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये जो 10 अल्फाज है वो इन्हीं अल्फाजों के अंदर से लिए गए हैं। तो देखो व्यापारी, तो व्यापारी का अरबी होता है ताजिरुन, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है ताजिरुन। बहुत ही आसान सबक है। फिर सेकेंड नंबर पे लिखो अब्बू, यानी उसका अरबी होता है अबुन। क्या होता है बच्चों? अबुन। तो हमें यहाँ पे हमजा और बा को लिख देना है, हमजा के ऊपर जबर और बा के ऊपर दो पेश की तनवीन। फिर तीसरे नंबर पे ताज, तो ताज को अरबी में कहा जाता है ताजुन। फिर आगे है बच्चों बहन, बहन को अरबी में कहा जाता है उख्तुन। तो अच्छी तरीके से हमें अरबी में उख्तुन को लिख देना है। फिर नंबर पांच है रस्सी, रस्सी को अरबी में कहा जाता है हबलुन, हा बा और लाम। तो यहाँ पे पांच मुकम्मल हुए। अब यहाँ पे सिक्स से लेकर टेन तक, तो सबसे पहले है कुआ, तो कुआ जो कुआ है उसको अरबी में कहा जाता है बिरुन। क्या कहेंगे बच्चों? बिरुन। बा हमजा और रो, बा के इंतजेर हमजा के ऊपर जज्म और रो के ऊपर दो पेश की तनवीन, बिरुन यानी कुआ। फिर सातवें नंबर पे है शेर, तो शेर को अरबी में कहा जाता है असदुन, हमजा सीन और दाल। फिर आठवें नंबर पे है हमद यानी तारीफ, हमद या फिर तारीफ, तो उसको अरबी में कहा जाता है सनाउन। नाइन नंबर पे है तोहफा गिफ्ट इनाम, तो उसको अरबी में कहा जाता है तोहफतुन। क्या कहेंगे बच्चों? तोहफतुन। फिर दसवें नंबर पे है सितारा, उसको अरबी में कहा जाता है सुरैया। तो यहाँ पे देखो चैप्टर वन में पार्ट टू हमने उर्दू से अरबी लिखी है वो समझा है बहुत ही अच्छी तरीके से, और ये सबक बहुत ही आसान है। अब इसी चैप्टर वन के पार्ट टू में हम आगे सबक को समझेंगे। इसमें हमें क्या समझना है अरबी से उर्दू लिखिए। क्या है? अरबी से उर्दू लिखिए। तो यहाँ पे देखो एक से लेकर पांच यहाँ पे है अल्फाज और यहाँ छह से लेकर दस तक, ये भी बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले देखो इब्नुन यानी लड़का, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है उर्दू में लड़का। अरबी में इब्नुन को यानी अरबी में क्या कहा जाता है लड़के को? इब्नुन। तो यहाँ पे देखो इब्नुन है, तो हम यहाँ पे बराबर करके क्या लिखेंगे? लड़का। बच्चों ये सबक भी इन्हीं अल्फाजों के अंदर से लिए गए हैं। फिर देखो नंबर दो ताबूतुन यानी पेटी बॉक्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? पेटी। इसलिए अगर हमें इस सबक को समझना है दोनों सबक को तो ये सबक बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें याद कर लेना है। फिर नंबर तीन है तीनुन यानी अंजीर। बच्चों तीनुन यानी अंजीर। फिर नंबर चार है सौबुन। क्या है बच्चों? सौबुन यानी कपड़ा।
फिर नंबर पांच है तुफा हुन, यानी यहाँ पे अलिफ छूट गया है, हम लिख देंगे तुफा हुन यानी सेब। तो देखो यहाँ पे पांच मुकम्मल हो गए हैं। अब छह से लेकर दस को हम समझेंगे, देखो अबुन, देखो अबुन यानी अबू होते हैं, मैंने समझाया था, और अबुन यानी घास जो बारिश के मौसम में उगता है। फिर नंबर सात है समरतुन यानी फल, समरतुन यानी फल। नंबर आठ है बदरुन यानी चांद, नंबर नौ बैतुन यानी घर, नंबर दस बिंतुन यानी लड़की। तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये सबक भी मुकम्मल हो गया, यानी चैप्टर वन का पार्ट टू भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। तो इस सबक को बिल्कुल अच्छी तरीके से इसी तरह समझना भी है, और एक मरतबा नोटबुक के पेज में पहले उर्दू से अरबी लिखिए, फिर अरबी से उर्दू। तो आज का सबक हमारे यहाँ पे मुकम्मल होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।